आज हम लौकी के कोफ्ता बनाएंगे। उसके लिए एक लौकी लिए हैं, लौकी को हम छील लिए हैं, अदरक लहसुन लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, इसे हम काट लिए हैं, चार प्याज लिए हैं, प्याज को भी हम बारीक काट लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी हम काट लिए हैं, 150 ग्राम बेसन लिए हैं, सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। आप इसके जगह पर टमाटर का प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। टमाटर का पेस्ट बनाते समय टमाटर में हम पानी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। देख सकते हैं कि पेस्ट अच्छे से बन गया है। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। इसी मिक्सिंग जार में प्याज का भी पेस्ट बना लेंगे। इसी में हम अदरक लहसुन भी डाल लेंगे। दो से तीन चम्मच पानी डाल लेंगे। इसका भी पेस्ट बना लेंगे। प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बन गया है। इसे भी बाउल में निकाल लेंगे। लौकी को हम कद्दूकस कर लेंगे। आप जब भी लौकी का कोफ्ता बनाएं तो बिना बीज वाला ही लौकी का बनाएं, उसे कोफ्ता अच्छा बनता है। सारे लौकी को कद्दूकस कर लिए हैं। लौकी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हम कॉटन के कपड़े में रख करके निकाल लेंगे। सारे पानी को अच्छे से निकाल लेंगे, उसे कोफ्ता अच्छा बनेगा। लौकी को मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल लेंगे। सारे बेसन को एक साथ नहीं डालेंगे। थोड़ा सा बेसन डाल करके इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। और बेसन का ज़रूरत होगा उसी के हिसाब से हम इसमें और बेसन डालेंगे। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसका हम कोफ्ता बना लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके कोफ्ता को डाल लेंगे। एक साथ सारे कोफ्ता को नहीं डालेंगे। डालने के बाद इसे एक मिनट नहीं चलाएंगे। उसके बाद इसे पलट करके चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन रेड होने तक पका लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पके। देख सकते हैं कि गोल्डन रेड हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के सारे कोफ्ता को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। अब हम कोफ्ता के लिए कढ़ी बना लेंगे। उसके लिए हम तेल ले लेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, अदरक लहसुन और प्याज का जो हम पेस्ट बना के रखे थे उसे भी डाल लेंगे। प्याज को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे।
आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, टमाटर का जो पेस्ट बनाए थे उसे भी डाल लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। मसाला को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। ग्रेवी को पतला करना है तो और पानी डाल लें। अब इसमें हम एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा इसमें हम कोफ्ता को डाल लेंगे। आप कभी भी कोफ्ता बनाएं तो कोफ्ता डालने के बाद उसे ज़्यादा देर तक ना पकाएं, नहीं तो ये मसाला में ही सारे कोफ्ता टूट जाता है। एक एक करके सारे कोफ्ता को डाल लेंगे। डालने के बाद इसे 2 मिनट और पका लेंगे। इसे ढक करके पकाते हुए 2 मिनट हो गया है। देख सकते हैं कि कोफ्ता बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसे काट करके भी दिखा देते हैं कि कोफ्ता कितना सॉफ्ट बना हुआ है। देख सकते हैं कि कितना आसानी से टूट गया। ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।